और छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। दो दिनों के सत्र अवकाश के चलते कांग्रेस की महिला विधायक रायगढ़ पहुंची, तो रायगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होकर आने वाले लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो अपने अपने क्षेत्र में विकसित की बात को लेकर महिला विधायकों ने संवाददाता अंबिका मिश्रा से खास चर्चा की है, देखिए रिपोर्ट। कहा जाता है कि मातृशक्ति से ही संसार का निर्माण होता है और मातृशक्ति को जो इस देश में पूजा जाता है, और ऐसे ही कुछ मातृशक्तियां जो हैं राजनीति में अपनी एक अच्छी खासी पहचान बनाकर आज राजनीति के क्षेत्र में है और लोगों की सेवा कर रही हैं। बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में ऐसी कई मातृशक्तियाँ हैं जो आज विधायक के पद पर आसीन हैं और अपने अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रही हैं। हम सीधे उन्हीं मातृशक्तियों से जुड़ेंगे आज हमारे साथ। सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस की तमाम जो महिला विधायक हमारे साथ में जुड़ी हुई है। हमारे साथ सबसे पहले पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अनिला भेड़िया जी हमारे साथ हैं। अनिला जी, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, आप दोबारा चुन करके आई हैं, जनता ने आपको मौका दिया है, जनता को आप क्या संदेश देंगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता ने मौका दिया है तो हम तो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि जनता के लिए काम करेंगे, उनकी मांग के अनुरूप हम लोग काम किएंगे। सत्ता सरकार किसी का भी रहे, हम विधायक हैं तो विधायक के जो अधिकार है, उनके जो कर्तव्य है, उनको कोई छीन नहीं सकता। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम अपने क्षेत्र का विकास करें और साथ साथ जनता को एक अच्छा संदेश दें कि हम विपक्ष में रहते हुए भी आपके लिए काम करें। बात करेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव निकल गया है, विधानसभा चुनाव में सत्ता में थोड़ी सी फेरबदल हुई लेकिन अभी भी जोश और उत्साह अभी भी जारी है, लगातार बना हुआ है। हमारे साथ में बालोद की विधायक संगीता सिन्हा जी है। संगीता जी, आप अभी अपने विधानसभा चुनाव अभी आपने जीता, अब लोकसभा की तैयारी करनी है, आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे लोगों के बीच आप जा रही हैं और कौन सा मुद्दा अब लेके जा रही हैं? लोकसभा की तैयारी से हम जोर शोर से भिड़ चुके हैं और आपने देखा है कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य, पूरे देश में महंगाई कितनी बढ़ चुकी है और बीजेपी का शासन अभी आया है छत्तीसगढ़ राज्य में, तो हमने देखा कि जितने भी वादा हैं, महतारी वंदन योजना, ये सब को उन्होंने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यूज़ किया और जब धरातल पे आए तो कटौती कर दिए। तो ये सब बात लोगों को समझ है, हम ये सब मुद्दा है जो उन्होंने सिर्फ बड़ी बड़ी झूठी झूठ बातें, धोखाधड़ी की बातें करके चुनाव तो जीत जाते हैं लेकिन हमारे जो जनता के साथ सही साबित नहीं होते हैं। ये सब मुद्दा है और महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा महंगाई है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, आम जनता बहुत परेशान है और इस बार हमारे कांग्रेस की सरकार वहाँ बैठेगी। अभी कुछ दिनों पहले बालोद जिले में एक यौन जो उत्पीड़न का मामला आया था, एक गैंगरेप हुआ था एक महिला के साथ में, जिस दिन मुख्यमंत्री आया उसके पहले दिन ये मामला हुआ, उस मामला को दबा दिया गया, कैसे अब आप लोग इस मामले को उठाएंगे और महिला सुरक्षा पे कैसे काम करेंगे? देखिए, जब से सरकार बैठी है बीजेपी शासन की, तब से ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ चुका है। वो 19 साल की बेटी है जो रात को, शाम को 6 बजे, अंधेरा भी नहीं हुआ था उस समय, वो घर वापस हो रही थी, उसको 3 लड़के ने अपने हवस का शिकार बनाया। उसके दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और वहाँ उसको बाइट देने से रोका गया, मुख्यमंत्री को चुपचाप ले जा के हेलीकॉप्टर में बिठा दिया गया, वो तो तानाशाही दिख रहा था। और जशपुर की जो 5 साल को मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, यहाँ से पुलिस प्रशासन बहुत ठप है, मतलब इनका लगाम ही नहीं है। तो हम तो इस बात को बोल रहे हैं कि जब से बीजेपी शासन बैठी है तब से हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारी किसान सुरक्षित नहीं है। इस बात को हम आगे रखें, अभी विधानसभा में भी इस बात को उठाएंगे। हमारे साथ में एक और महिला विधायक हैं, आपके क्षेत्र की क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या ज़रूरतें हैं आपके क्षेत्र में लोगों की? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सारंगगढ़ में, आप सभी जान रहे हैं कि सारंगगढ़ में इतना दिन से डबल विधायक दोबारा नहीं चुना गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया और टिकट के साथ साथ सारंगगढ़ के एक एक जनता मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हमारे एक मुद्दा था, हमारे सारंगगढ़ जिला था, हमारे कांग्रेस सरकार ने बना दिया और जिला जो बना है अभी बीजेपी वाले नो जी बीजेपी वाले कुछ काम नहीं दे रहे हैं। अभी बीजेपी का सरकार आया था, हमारे सरकार कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार था, बहुत अच्छा सारंगगढ़ में काम हुआ था, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, हर प्रकार का काम हुआ सारंगगढ़ में।
हमारे साथ में एक और महिला विधायक है जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके राजनीति में आई है। आप भानुप्रतापपुर से आपने दोबारा जीत दर्ज की है, जनता का समर्थन मिला है, प्यार मिला है, अब इस बार लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी आप लोगों को मिली है, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? बिल्कुल, दोबारा जनता ने मेरे को चुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारी अभी, क्योंकि आपने देखा होगा कि केंद्र का बजट आया, हमारे छत्तीसगढ़ का भी बजट आया, दोनों बजट में जो है चाहे बेरोजगारी पे कुछ बात नहीं हुई है, महिलाओं के लिए कुछ बात नहीं हुआ है, मजदूर वर्ग के लिए बात नहीं हुआ है, तो इन सब मुद्दों को हम अभी अपने लोकसभा क्षेत्र में उठाएंगे, क्योंकि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार बस झूठे वादे बस किए हैं, उन पर अमल नहीं हुआ है, तो ये सब जो बेरोजगारी पे हो या अपने ये महिलाओं पे हो, ये सब मुद्दे को हम लोकसभा भी आने वाले चुनाव में बिल्कुल इन सब बातों को उठाएंगे। मातृशक्ति एक बार फिर से रण पे उतरने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा, बिल्कुल मातृशक्ति यहाँ पर बिल्कुल आने वाले जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल हमारे, हम चाहते हैं कि पूरे कांग्रेस के जो है विधायक वहाँ पर लोकसभा सांसद जो बने उनको चुन के हमको भेजना है, और निश्चित रूप में मान के चले आने वाले समय में जो है कांग्रेस के मतलब उस केंद्र में कांग्रेस की सरकार बैठेगी आने वाले समय में निश्चित। महिलाओं में आत्मविश्वास है। अब हमारे साथ बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की जो भाषा है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति, उनको हमेशा अपने साथ संजोकर चलती है, और विधानसभा में कहें या आप अपने क्षेत्र में कहें, छत्तीसगढ़ी के साथ लोग, छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ लोगों के बीच में जाती है, और हम उनसे फिर से एक गुरतुर बोली जिसको बोलते हैं वो करेंगे। दीदी, अपन छत्तीसगढ़ी माँ विधानसभा में प्रश्न उठा तो बड़ा गुरतुर लगती है आपकी बोली है, अब ये धारी कौन से मामले रही जे माँ अपन छत्तीसगढ़ में जनता के बीच में जाऊँ, अपन क्षेत्र में जाऊँ, और लोकसभा चुनाव में अपन अपन भूमिका निभाऊ? सबसे पहले तो सरायपाली के जनता ला में कोटि कोटि धन्यवाद देवत हूँ, ओमन के माया दुलार मोला अतका मिलीस कि ओमन के माया दुलार के कारण ही आज मैं ओमन के बीच में ओमन के विधायक बन के ओमन के आवाज़ ला